खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चार बोतल वोडका। हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। सो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। तो फिलहाल पहले तो लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करेंगे कि मतलब कि लड्डू गोपाल अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे, आप लोगों पे, आपके परिवार पे खूब बनाए रखें। और जैसे कि हमारा जो है ये साल, बीता हुआ साल जो है बहुत अच्छा बीता, वैसे ही हमारा आने वाला साल भी बहुत अच्छा बीते और सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो फिलहाल दोस्तों, आज 31 दिसंबर है यानी साल का आखिरी दिन। तो और हाँ, एक अच्छा दिन और है, एक खास दिन और है मेरे लिए। आज है हमारे चौहान साहब का हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज चौहान साहब का बर्थडे भी है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे चौहान साहब। आपको लड्डू गोपाल का ढेर सारा आशीर्वाद और साथ में हमारी YouTube फैमिली और हमारे फैमिली फ्रेंड्स का भी ढेर सारा आशीर्वाद और उनका ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, ये जो बीता हुआ साल था ना, ये तो किसी के लिए बहुत अच्छा था, किसी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आया और किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव भी आते रहे। उतार चढ़ाव तो नियम है लाइफ में, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो किसी का बहुत अच्छा था, किसी का थोड़ा अच्छा था। तो ये तो थे हमारे इस साल के एक्सपीरियंस, मतलब हमने हर एक्सपीरियंस जो है जिया इस साल में। बस अब ईश्वर से कृपा है कि जो आगे आने वाला साल है, जो 2023 आ रहा है, तो वो हमारे लिए, हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर। तो गाइस, तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली और जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जो नए नए हमारे चैनल पर ऐड हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है रिवाइंड वीडियो, यानी 2022 का रिवाइंड वीडियो कि पूरे साल हमने क्या किया, हम कहाँ पे थे, अभी जहाँ पे हैं वहाँ से आने से पहले हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पूरे साल की हमारी जर्नी कैसी रही। तो रिवाइंड वीडियो हमने जो है बनाया है और आज है 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। और रात के 12 बजे के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे नए साल में यानी 2023 में। तो फिर हमारी जो पिछली यादें हैं ना, वो भी रहनी चाहिए हमारे साथ में। जो हमारा बीता हुआ कल है, पास्ट है, वो भी रहे, उसकी भी कुछ यादें ताज़ा बनी रहे। कभी कभी मन करता है बीती बातों को, पुरानी चीज़ों को, बीते लम्हों को देखने का। सो गाइस, तो हमारा रिवाइंड वीडियो देखिए, हमारे पूरे साल की जर्नी देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा रिवाइंड वीडियो कैसा लगा। और इस नए साल में अपने चैनल में और अपने वीडियोस में हम क्या नया कर सकते हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए अपने पूरे साल की जर्नी रिवाइंड वीडियो, लेट्स गो। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे, धन्यवाद। Thank you.
दोस्तों कल रात के 12 बजे ही सुमित और मम्मी ने मिलकर मुझे बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे लिए केक आया हुआ है और इतना अच्छा केक आया हुआ है। मैं तो आराम से बैठी थी कि मोबाइल चलाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी, लेकिन सुमित और मम्मी मेरे लिए केक लेके आए और रात में 12 बजे हमने मिलकर केक काटा और थोड़ा सा मस्ती की। तो गाइस अभी सुबह का 9 बज रहा है और अभी हम गांव में ही हैं, यानी अपने गांव खटई में हैं और अभी ये देखिए हम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी रहे हैं। सो गाइस इस समय हम लोग आए हुए हैं अपने खेतों पे, अपने खेत देखने आए हैं। बहुत टाइम हो गया था कि हम लोग अपने खेतों पे नहीं आए थे। तो सुमित की और पायल की शर्त लगी है कि इस पीछे वाली डाल पे जो एक बार में बिना किसी सपोर्ट के बैठेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं बैठ पाएगा वो शाम को हमें समोसे खिलाएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। सो गाइस तो आज है आकाश की शादी और हम एंजॉय करने वाले हैं आकाश की शादी का दिन, और आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत डांस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने तो मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही, आकाश के मैरिज के वीडियो में, कि हम लोगों ने आकाश की शादी में कितनी मस्ती और कितना एंजॉय किया और सच में हमें बहुत मजा आया। तो अभी हम कल शाम को वापस अपने घर आ गए थे और आज हम निकल रहे हैं कानपुर से मेरठ के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने घर। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। आज है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार। आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो हमारी खुशी भी रेडी हो गई और खुशी ने कितनी अच्छी शर्ट पहनी है। ये तो मेन था। सो गाइस ये देखिए हम लोग ऊपर से कितने गोरे गोरे आए थे, अभी सब कलरफुल हो गए और नीचे बहुत मजा आ रही है सबके साथ में। गेम्स खत्म हो चुके हैं, हम लोगों ने गेम्स खेले और काफी एंजॉय भी किया। तो
तो अभी फिलहाल हम लोग ऊपर आ गए। सो गाइस, तो आज मैं, सुमित और आंचल मिलके जा रहे हैं मार्केट। तो दोस्तों, अभी हम विशाल मेगा मार्ट में आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। चलिए अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या सामान लेते हैं और क्या चल लेती है। तो फिलहाल अभी हम विशाल मेगा मार्ट के अंदर हैं, चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। तो अभी हम विशाल मेगा मार्ट से बाहर आ चुके हैं, लगभग हमें 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ पर। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप मुझे लगभग 1 महीने के बाद देख रहे हैं। आज मैंने 1 महीने के बाद लगभग अपना ब्लॉग बनाना फिर से स्टार्ट किया। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा शरबत बिल्कुल रेडी है। ऑसम ऑसम टेस्ट दिस। गाइस, तो आज शुक्रवार है और आज शुक्रवार के दिन मेरा फास्ट रहता है माता वैभव लक्ष्मी। सो गाइस, तो इस समय गर्मी इतनी ज्यादा है कि दोपहर में कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि धूप में कम से कम निकलें और इस भयंकर तपती हुई गर्मी से प्लीज अपना बचाव करें। तो दोस्तों, आज शाम के खाने में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए, सुमित के लिए, सभी के लिए साबूदाना वड़ा। जी हाँ, ये फास्ट का खाना होता है, फास्ट में हम साबूदाना वड़ा खा सकते हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे, धन्यवाद। जैसे ही घर से निकले तो तुरंत ही हमें पता चल गया कि हमारी गाड़ी का पहिया पंचर हो रखा है। तो फिलहाल सुमित और अंकित ने जहाँ पंचर बनता था ले जाके गाड़ी का पंचर वगैरह ठीक करवाया। थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम वहाँ पे भी लग गया। तो फिलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है और हम प्लेटफॉर्म से बाहर भी आ गए हैं। अंकित चला गया, काफी बुरा लग रहा था क्योंकि अभी हम लोग काफी दिनों से मेरठ में थे, अंकित के साथ थे, हम सब लोग एक साथ रह रहे थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते पीते थे, मौज मस्ती, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता था। लेकिन आज 2 महीने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अंकित भी अकेला हो गया, तो हम लोग को भी काफी बुरा लग रहा था उसको छोड़ने में, क्योंकि हम तो फिलहाल वहाँ पे कानपुर में रहेंगे। तो मम्मी, सुमित, मैं और हमारी वहाँ पे पूरी फैमिली है, तो सबके साथ में रहेंगे, सबके बीच फैमिली के बीच में रहेंगे। बट अंकित तो यहाँ पे अकेला हो गया, अभी आंचल भी नहीं है घर पे, तो हंस रहा था, हम लोगों से बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, पर हमें लग रहा था, पता चल रहा था कि वो उदास था अंदर से, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग कानपुर वापस जा रहे हैं। हम लोग अभी कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं, अभी हमें घर से मीशू लेने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। पीछे देखिए कानपुर सेंट्रल।
लोग रेडी होके अपने गेट के बाहर खड़े हुए हैं। नीशु हम लोगों को लेने के लिए आ गया है। मैं, सुमित, नीशु, उत्कर्ष हम लोग गेट के बाहर हैं, शिवानी का वेट कर रहे हैं। शिवानी शायद अंदर कुछ कर रही है, उसे कुछ अचानक से काम याद आ गया। अब उसके पास छोटा बेबी है ना, तो फिर कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं अचानक से जिनके पास बेबीज होते हैं। तो फिलहाल शिवानी के आते ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं और सुमित ने दिनों से परेशान थे। लगभग एक साल से हम लोग इतना दौड़ भाग कर रहे थे, इतना परेशान थे, इधर जाना उधर जाना और बार बार कुछ ना कुछ करके कैंसिल भी हो जा रहा। तो फिलहाल अभी हम लोग बस रुद्रा पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे रुक के बेकरी से हम चाची के लिए केक लेंगे और केक लेने के बाद फिर हम निकलेंगे रुद्रा के लिए और घर तो बाद में जाएंगे, ऊपर हम बाहर से ही मंदिर के लिए निकल लेंगे और देखेंगे। तो मंदिर में ही हो सकेगा तो मंदिर में ही केक कटिंग करेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद।
tell me what's wrong and why you इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। जल्दी जल्दी खुली नहीं मिलती है, बहुत ही कम होता है जो क्रॉसिंग खुली मिल जाए, नहीं तो ये लोग तो यहाँ पे घंटों घंटों खड़े रखते हैं। लास्ट टाइम मैं और अनुज आए थे, आधे पौन घंटे खड़े रखा हम लोगों को, उसके बाद फिर क्रॉसिंग खोल दी, बोले कोई तो। फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं अपने आम के बगीचे में। सुमित का बहुत आने का मन था, घर में तो वैसे फिलहाल काफी गर्मी लग रही थी, पंखे वगैरह सब चल रहे थे लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन यहाँ फिलहाल आम के बगीचे में आने के बाद बहुत राहत है, चारों तरफ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाग में चारों तरफ मतलब गीला भी है, सब पानी वगैरह भी है आप देख सकते हैं। I'ma just get buyin' everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. तो फिलहाल आप हम लोगों को देख रहे हैं, हम सब लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है हम लोग कहीं जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं वो जगह मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है, बस इतना पता है कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए ये आपको निशु बताएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नीम करौली बाबा के मंदिर, जो कि इधर ही सनीवा से आगे पड़ता है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, किसी को जो है मतलब जिसके ऊपर भूत प्रेत वगैरह आते हैं वो लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, जगह से लोग आते हैं यहाँ। नहीं नहीं, कौन से भगवान का मंदिर है? हनुमान जी? नीम करौली बाबा। अच्छा, नीम करौली बाबा का मंदिर है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम लोग करौली सरकार से निकल रहे हैं, और करौली बाबा से जाते जाते विनती है कि हम लोग के जीवन में जो भी कमी आए, हम सबके जीवन में सबको भर दे, खुशियों से भर दे। और करौली बाबा की जय। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे, धन्यवाद। Your friend, you're not okay. And tell me why your blue eyes fade to gray as you fade away. तो फिलहाल दोस्तों हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं, तो चलिए आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाते हैं, जैसा भी होगा सब आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। As you fade away. तो अभी हम लोग टाटा मोटर्स आ गए हैं, और हम लोग अंदर नहीं गए, गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। अंदर जाके क्या करेंगे खास हमारा कोई ऐसा काम नहीं है, बस गाड़ी में नंबर प्लेट ही लगनी है। तो सुमित अभी फिलहाल अंदर गए हुए हैं बात करने के लिए। तो देखिए ये है गंगा बैराज। तो फिलहाल दोस्तों हमारी मैगी बनकर आ चुकी है, बहुत ज्यादा भर दी है, मटर टाइट है, मटर कच्ची है, मटर पकी नहीं है ठीक से, तो फिलहाल मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इतना। तो दोस्तों अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है, और होटल में आने के बाद आपको तो मैंने बताया ही था अपनी लास्ट वीडियो में कि उज्जैन में हम होटल में रुक गए हैं। तो होटल में आने के बाद सुमित बहुत ज्यादा थक गए थे, तो सुमित ने बोला कि मैं 1-1.5 घंटे की नींद ले लेता हूँ, उतनी देर में मैं भी नहा धोकर फ्रेश होकर देखिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। के दर्शन के लिए फिलहाल यहाँ भक्तों की बहुत लंबी भीड़ है, सब कह रहे थे कि श्रावण में इतनी भीड़ होती है, अभी हमें आजकल दर्शन यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो
कितनी भीड़ है यहाँ पे, लग रहा है कि जैसे सावन ही चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लाइन लगी हुई है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी अपने साथ में भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। पता ही होगा कि हम लोग अभी इस समय साईं क्रिस्टल सोसाइटी में हैं। तो फिलहाल आज हमारी सोसाइटी में है गणपति विसर्जन। तो दोस्तों आज है बृहस्पतिवार और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले जितनी भी बहनें मुझे देखती हैं, मेरे ब्लॉग को देखती हैं, तो सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े बनाने शुरू करती हूँ। तो दाल जो है मैंने वो मॉर्निंग में ही पीस कर रख ली थी ताकि दोपहर का थोड़ा सा काम खत्म होती हूँ, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ दही बड़े में जो मसाला पड़ता है वो मसाला रेडी कर रही हूँ। और मैंने सोचा चलो फूल ले लेती हूँ पूजा के लिए, तो मैं फूल ले रही थी तो यहाँ पे आज मार्केट में गजरा बहुत बिक रहा था, तो मैंने सोचा चलो गजरा की जो थाल है करवा सजाने के बाद में अपनी थाल भी जो है मैंने रेडी कर ली थी। और थाल रेडी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ माता। जो होता है पिक्चरों में तो आपने देखा ही है, छलनी से देखना, तो ये सारे। और अभी मैं ऊपर छत पे हूँ अपनी टेरिस पे चांद देखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे तो बादल हैं, अभी कहीं चांद नजर नहीं आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे बालकनी से ही अपने चांद को देखा और चांद की आरती उतारी। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दोनों कपल्स ने मैचिंग की ड्रेस पहनी है। तो फिलहाल चलिए अभी हम दोनों रेडी हो गए हैं, अभी पूजा का टाइम हो गया है, तो फटाफट से हम लोग पूजा कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद अभी हम लोग को निकलना है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पटाखे वगैरह छुटाने के लिए। तो फटाफट करते हैं पूजा। सो गाइस, तो फिलहाल नीचे से पटाखे छुटा, मैंने बताया आपको हम लोग पटाखे छुटा के आ गए थे और उसके बाद चेंज भी कर लिया था। उसके बाद फिर हमारा प्लान एकदम से चेंज हो गया। अभी देखो कौन है हमारे साथ, आयुष। तो हाँ, अभी आयुष भी आ गया है हमारे साथ में। तो फिलहाल अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे बट सडनली हमारा प्लान चेंज हुआ,
अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर खाने के लिए। गाइस तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं फैमिली रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या है सुमित बताएंगे? चिलबुल ढाबा। चिलबुल, चिलबुल को साथ में लेके दिया है। ऑसम, बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। गोभी मंचूरियन भी टेस्टी था। उसके बाद हम लोगों ने नूडल्स खाए, नूडल्स भी बढ़िया थे, सेजवान नूडल्स थे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा असर नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने पनीर मसाला टिक्का और लच्छा पराठा खाया, वो भी बहुत बढ़िया था, अच्छा था। मेरे तरफ से तो पूरे फुल में से फुल नंबर इन लोगों को। खास और कुछ अच्छा और कुछ नया होने वाला है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल अभी मैं अपने सारे घर के काम खत्म करके खाना वगैरह खा के अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और उसके आगे हम क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वो सब आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा। बाद ही हम लोग उसको जो है यूज़ करना शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम लोग भी अपनी गाड़ी को लेकर आ गए थे वागेश्वर मंदिर में कि गाड़ी की जो है पूजा कर लेते हैं और गाड़ी को भी भोलेनाथ का, शंभूनाथ का आशीर्वाद दिलवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर शिव जी की शिवलिंग के पास जहाँ पे शिव जी विराजमान है, तो यहाँ पे शशांक ने शिव जी को फूलों का हार वगैरह चढ़ाया, मैंने चंदन टीका वगैरह किया और मत्था टेक के शिव जी का आशीर्वाद लिया कि उनकी कृपा। तो फाइनली अभी शाम का 5:15 हो रहा है और हम लोग वापस घर आ चुके हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। आज मैं और सुमित हम दोनों लोग जा रहे हैं शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। लगकर करीब हमें 3-4 घंटे लग गए दर्शन करने में और उसके बाद फिर हमने अंदर से लिया साईं बाबा का जो मेन भोग का प्रसाद होता है। तो ये है साईं बाबा का प्रसाद जो कि पूरे दिन साईं बाबा को जो और अभी हम लोग जा रहे हैं लंगर के लिए, तो अभी भूख भी बहुत जोरों की लगी है, तो अभी साईं बाबा का जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे, लंगर खाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग शिरडी से निकल चुके हैं,
बहुत अच्छा लगा हम लोगों को शिरडी आके, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और हमने बढ़िया बाबा का जो भंडार गृह है जहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता है, तो वहाँ पे बढ़िया बहुत स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया सा खाना खाया। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सबका प्यार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद। सो गाइस, तो आप लोगों ने देखा ही, ये था हमारा रिवाइंड वीडियो, यानी पूरे साल का हमारा सफ़र। और पूरे साल का जो हमारा सफ़र था उसमें भी हमारी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, बहुत सारे हमने भी उतार चढ़ाव देखे, पार किए, और लड्डू गोपाल की कृपा से बस सब कुछ आसानी से अच्छे से मैनेज होता आया, उनका आशीर्वाद बना रहा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये पूरे साल का सफ़र, हमारा रिवाइंड वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, सिर्फ विजिट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बार बार गज़ब ऑनलाइन डाल के सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, और एंजॉय कीजिए। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ बना रहे, आपके पूरे परिवार पे बना रहे, और आप लोगों का साथ और प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह मेरे नए आने वाले साल में भी मुझे लगातार मिलता रहे, और जल्द ही मैं अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को पार करते 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 टॉप पे पहुंच जाऊं। तो दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। तो दोस्तों चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और क्योंकि आप लोगों को भी आज न्यू ईयर की पार्टी करनी होगी, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ बाहर जाना होगा, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तो फिलहाल ठीक, इसी तरह से मुझे भी चौहान साहब के साथ थोड़ा सा बाहर जाऊँगी घूमने, थोड़ा बहुत खा पी के आएंगे, और आज मेरे चौहान साहब का बर्थडे है तो थोड़ा सा उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बस इतना ही, और फिर मिलती हूँ आपसे नए साल में, अपने नए साल की नई शुरुआत के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।